ये पौड़ी सप्तूली कोटद्वार वैकल्पिक मार्ग है और अभी हम पौड़ी से आगे चल के टेका से अद्वानी के बीच में है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी फ्रेश पेंटिंग हुई है और मुझसे पहले भी कई लोगों ने इसके वीडियो फेसबुक पे डाले हैं, सोशल मीडिया पे डाले हैं कि पेंटिंग बहुत ख़राब है। और वाकई हम भी आज यहाँ से गुजर रहे थे तो ये बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग ख़राब है, बिल्कुल उखड़ चुकी है ये। और इसमें अगर कोई मोटरसाइकिल वाला, टू व्हीलर वाला इसमें अगर ब्रेक ले लेगा तो वो इसमें ज़रूर गिरेगा, ये तय है। तो इस तरह की जो पेंटिंग की जाती है उसमें जनरली जब मीडिया सवाल उठाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि इनका बॉन्ड आगे तक रिपेयर का भी बॉन्ड है, उसमें ठीक करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब ये शुरुआत में ही काम कर रहे हैं तो उस समय अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। और अगर कोई ऐसी बात होती है कि टेम्परेचर सही नहीं था तो बारिश में या ठंड के मौसम में इस तरह की पेंटिंग क्यों की जाती है, ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। कपिल क्या कहोगे आप? निश्चित रूप से उत्तराखंड में जब सड़कें बनती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहर से लगे हुए क्षेत्रों में तो खाना पूर्ति मात्र होती है ये कि सर्दियों के समय भी पेंटिंग कर दी जाए। फिर विभाग के पास इतने उपकरण तो होते नहीं है कि वो एक अच्छी पेंटिंग कर सके और कहीं ना कहीं खाना पूर्ति के रूप में सड़क की पेंटिंग की जाती है। बात ये भी कही जाती है जो आपने कहा कि 3 साल का बॉन्ड होता है, लेकिन फिर क्या 3 साल तक ठेकेदार इन सड़कों को दोबारा पोतते रहे और चौथा जो साल है उसके आते ही नया बजट फिर स्वीकृत होता है इस स्थिति में तो। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि लापरवाही है, जबकि कोई इतनी इंटीरियर सड़क भी नहीं है। ये सतपुली के लोग और जो पौड़ी के लोग हैं हमेशा यहाँ से जाते हैं, तब भी ऐसा काम हो रहा है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा काम हो रहा है उत्तराखंड में जी। और मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये मात्र 10-15 किलोमीटर दूर है पौड़ी से, तो PWD के जो चीफ इंजीनियर हैं और उनके जो अधीक्षण अभियंता है और साथ ही जो प्रांतीय खंड जो पौड़ी इसे बनवा रहा है, जिनकी देखरेख में ये काम हो रहा है, उनसे निवेदन है मेरा, व्यक्तिगत रूप से उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, जो अधीक्षण अभियंता है राजेश शर्मा जी, वो खुदा के इसको देखें, मैं उनको भी टैग करूँगा ये वीडियो। और जो प्रांतीय खंड के अभियंता हैं वो भी यहाँ पे आए और देखें कि इस तरह का काम हो रहा है, तो PWD का जो विभाग है उसकी कार्यशैली पर ये बड़े सवाल पैदा करता है। तो यहाँ पे आए, खुद इसको देखें और जो भी ये ठेकेदार रहे हों उनको निर्देशित करें कि वो जल्दी इसे ठीक करें। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी सतपुली रोड से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।